हाय गाइस, इट्स मी आदित कुंद्रा फ्रॉम आदित गिटार लेसन्स। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल में अभी हम एक सीरीज कर रहे हैं म्यूजिक थ्योरी पे, एंड द सेंट्रल थीम इज कॉर्ड्स। बेसिकली कॉर्ड्स की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कॉर्ड्स की जो थ्योरी होती है क्या थ्योरी है, एंड आई एम एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एब्सोल्यूट ग्राउंड लेवल। तो आज का जो वीडियो है, इसमें हम एक नया ग्रुप के बारे में बात करेंगे जो कि होती हैं सस्पेंडेड कॉर्ड्स। अब सस्पेंडेड कॉर्ड्स जो होती हैं, इसमें देर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड आई एम वेरी श्योर इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो शायद आपने ऑनलाइन भी शायद ना सुनी हो या पढ़ी हो। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट बिफोर वी गेट इनटू द लेसन, मैं आपको क्विकली तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि मेरा जो चैनल है, वैसे ही ये चैनल जो है, इसमें सब कंटेंट हिंदी में है। सिमिलरली मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है एडीज गिटार लेसन्स, और उस चैनल में सारा कंटेंट जो होगा वो इंग्लिश होएगा। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया एंड आप इंग्लिश में वीडियोस देखना चाहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दैट। पॉइंट नंबर टू इज़ कि मेरा एक बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक थ्योरी का कोर्स मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था, जिसका नाम है प्रैक्टिकल म्यूजिक थ्योरी बाय आदित्य कुंद्रा। एंड उसकी एक थीम है, जो सेंट्रल थीम उसकी वो है म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। तो उसमें बेसिकली अगेन मैंने बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, इसी स्टेजेस में मैंने उसमें सब कुछ कंटेंट डाला है। एंड एम ये है कि मैं आपको विद इन सेकेंड्स अपने कॉम्पोजिशंस बनाने में हेल्प करूं। मतलब आपको वो सारे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने कॉम्पोजिशन बना सकते हैं विद इन सेकेंड्स। एंड आई बिलीव इट्स अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स। इट्स अ पेड कोर्स, बट इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए कि आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट बिलीव मी, अगर आपने वो कोर्स कर लिया, देन फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स आपको और म्यूजिक थ्योरी जानने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ उतनी म्यूजिक थ्योरी पे ही बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, सो उस जो कोर्स है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड परचेज दैट कोर्स। एंड पॉइंट नंबर थ्री ये है कि मेरा फेसबुक में ग्रुप है जिसका नाम है द गिटार गैंग बाय आदित कुंद्रा। बेसिकली उसमें एक इट्स अ कम्युनिटी जिसमें बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, गिटार प्लेयर्स हैं, किसी को कुछ भी डाउट्स होते हैं लोग उसमें लिखते हैं, पीपल आंसर। इट्स अ वेरी एक्टिव कम्युनिटी एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन, सो जॉइन दैट। ओके, सो आज का जो टॉपिक है, दैट इज गोइंग टू बी एंटायरली अबाउट सस्पेंडेड कॉर्ड्स। ठीक है, तो हम बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, सस्पेंडेड कॉर्ड्स क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे, सस्पेंडेड कॉर्ड्स कौन सी तरह की होती हैं, उसकी म्यूजिकल थ्योरी क्या है, उनको किस तरह से यूज करना है, प्लस सम रियली नाइस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, तो अगर आपको याद है पिछला वीडियो मैंने आपको पूरा नोट थ्योरी समझाया था, मैंने इंटरवल समझाए थे, एंड हमने ट्रायड्स के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें बात करूंगा इस वीडियो में जो आपको समझ में शायद ना आए अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा। ठीक है, उस वीडियो में मैंने सारा बिगिनर लेवल बात करी है। तो हमने बेसिकली ट्रायड्स की बात करी थी पिछले वीडियो में, एंड हमने देखा था कि ट्रायड्स जो होती हैं, ट्रायड्स चार तरह के होते हैं, और किसी भी कॉर्ड को क्वालिफाई करने के लिए देर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो मीट होने चाहिए। ठीक है, तो ट्रायड्स जो थे, ट्रायड्स में हमने बात करी थी दो कंडीशंस हैं, मतलब दो कंडीशंस होने चाहिए, और ट्रायड्स चार तरह के होते हैं। तो पहला टाइप था मेजर, सेकेंड टाइप था माइनर, थर्ड था ऑगमेंटेड, एंड चौथा था डिमिनिश्ड। ये चार जो कॉर्ड्स होती हैं, इनको हम ट्रायड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके दो कंडीशंस मीट होने चाहिए, तभी ट्रायड बोले जाते हैं। पहला चीज कंडीशन ट्रायड का था कि इसमें थ्री नोट्स होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन था कि जो नोट्स हैं दे हैव टू बी स्टैक्ड इन थर्ड्स। ठीक है, तो स्टैक्ड उनको थर्ड्स में करना होता है। तो अगर हम इन चारों कॉर्ड्स को भी लेते हैं, मैं आपको क्विकली रीकैप दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको पिछला वीडियो देखना है समझने के लिए। तो मेजर कॉर्ड्स होती है, मेजर कॉर्ड्स में रूट होता है, देन देयर इज द मेजर थर्ड इंटरवल, एंड देयर इज द परफेक्ट फिफ्थ इंटरवल। ठीक है, एंड इसी चीज को अगर, तो ये सब जो इंटरवल है ये हमारे रूट से हैं, तो अगर हम इसको इंडिविजुअल नोट्स में देखेंगे तो हम कह सकते हैं इट्स गॉट अ मेजर थर्ड एंड अ माइनर थर्ड इंटरवल स्टैक्ड ऑन इट। ये हमने बात करी थी पिछले वीडियो में। सिमिलरली माइनर कॉर्ड में रूट होता है, माइनर थर्ड इंटरवल होता है जिसको फ्लैट थ्री बोला जाता है, एंड परफेक्ट फिफ्थ होता है। सिमिलरली अगर मैं इंटरवल्स बिटवीन नोट्स की बात करूंगा, तो माइनर थर्ड में देयर इज अ माइनर थर्ड इंटरवल एंड देयर इज अ मेजर थर्ड इंटरवल। ऑगमेंटेड में रूट होता है, मेजर थर्ड इंटरवल होता है, एंड ऑगमेंटेड फिफ्थ इंटरवल होता है जिसको हम शार्प फाइव बोलते हैं। एंड अगर मैं इसको बिटवीन नोट्स इंटरवल्स की बात करूंगा, तो उसमें देयर इज अ मेजर थर्ड इंटरवल फॉलोड बाय अनदर मेजर थर्ड इंटरवल। सिमिलरली जो डिमिनिश कॉर्ड होती है, इसमें भी तीन नोट्स होते हैं, रूट होता है, माइनर थर्ड इंटरवल जो कि फ्लैट थर्ड होता है, एंड डिमिनिश्ड फिफ्थ इंटरवल जो कि फ्लैट फिफ्थ होता है, मतलब फाइव से एक पीछे। एंड बिटवीन द नोट्स अगर स्टैकिंग की बात करें, तो उसको उसमें एक माइनर थर्ड इंटरवल होता है, एंड उसके ऊपर एक और माइनर थर्ड इंटरवल होता है। तो हमने ये लास्ट टाइम पूरा सीखा था।
और हम देख सकते हैं कि इन चारों कॉर्ड्स में तीन नोट्स हैं और तीनों नोट्स जो है वो थर्ड्स में स्टैक्ड है, मेजर थर्ड माइनर थर्ड, माइनर थर्ड मेजर थर्ड, मेजर थर्ड मेजर थर्ड, माइनर थर्ड माइनर थर्ड, तो थर्ड्स में स्टैक्ड है। तो इसलिए हमारे जो ये चार कॉर्ड्स हैं ये ट्रायड्स बोल सकते हैं। लेकिन सस्पेंडेड कॉर्ड्स होते हैं ना, सस्पेंडेड कॉर्ड्स में इन दोनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन मीट होता है और वो होता है पहले वाला कि उसमें तीन नोट्स होते हैं लेकिन वो थर्ड्स में स्टैक नहीं होता। अब काफी लोगों को लगता है कि सस्पेंडेड कॉर्ड जो होती है उसमें रैंडम स्टैकिंग होती है। रैंडम का मतलब आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन एक्चुअली एंड दैट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग, सस्पेंडेड कॉर्ड्स में भी रैंडम स्टैकिंग नहीं होती, एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्टैकिंग होती है जो आपको शायद ऑनलाइन ना मिली, जो आपको बता रहा था ना ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, वील कम टू दैट। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर है। तो अब हम जरा सस्पेंडेड कॉर्ड्स को देखते हैं कि किस तरह से सस्पेंडेड कॉर्ड्स, ऐसा क्यों है कि सस्पेंडेड कॉर्ड्स ये ट्रायड्स का कंडीशन मीट नहीं कर रहे। तो सस्पेंडेड कॉर्ड्स में भी बेसिकली आपको मैंने बताया कि तीन नोट्स होते हैं। अब सस्पेंडेड, अगर कोई आपको बोले ना कि सस्पेंडेड बजाओ, तो उसका मतलब जनरली होता है सस्पेंडेड फोर्थ। सस्पेंडेड कॉर्ड्स बेसिकली दो, बहुत सारी तरह की होती हैं, लेकिन जो कॉमन होती हैं वो दो होती हैं, एक सस्पेंडेड फोर्थ होती है, एक सस्पेंडेड सेकंड होती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोले कि सस्पेंडेड कॉर्ड बजानी है तो आप सस्पेंडेड फोर्थ बजाएंगे, बाय डिफॉल्ट सस्पेंडेड फोर्थ होती है। और मैं आपको बताऊंगा कि बाय डिफॉल्ट ये क्यों है। ठीक है, सस्पेंडेड फोर्थ में तीन नोट्स होते हैं, एक तो तभी वो ट्रायड है, मतलब ट्रायड का पहला कंडीशन क्वालिफाई करती है। ठीक है, तो वो तीन नोट्स क्या है, पहला नोट तो होता है रूट, आखिरी नोट होता है परफेक्ट फिफ्थ या 1/5, और बीच का जो नोट होता है ना, बीच का नोट इज एक्चुअली द परफेक्ट फोर्थ इंटरवल। ठीक है, तो यहां पे 1/4 and 5 होता है। हमारी मेजर थर्ड में, इफ यू रिमेंबर, मेजर थर्ड में इधर मैं लिख देता हूं, मेजर थर्ड जो थी, मेजर कॉर्ड जो होती है, मेजर थर्ड सॉरी मेजर कॉर्ड में फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ होता है, माइनर कॉर्ड में फर्स्ट फ्लैट थर्ड एंड फिफ्थ, माइनर थर्ड इंटरवल। सस्पेंडेड फोर्थ जो कॉर्ड होती है उसमें फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ होता है, तो मतलब इन दोनों की जगह फोर्थ इंटरवल जो होता है वो आता है। सिमिलरली जो सस्पेंडेड टू कॉर्ड होती है उसमें रूट, मेजर, सेकेंड एंड परफेक्ट फिफ्थ होता है, मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ। वंस अगेन, मेजर कॉर्ड में 1/3/5, माइनर कॉर्ड 1/3/5, सस्पेंडेड फोर्थ में फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ होता है, एंड सस्पेंडेड सेकेंड में फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ होता है, मेजर सेकेंड होता है। अब इसके कारण काफी लोगों को लगता है कि 1/4 का इंटरवल हो गया परफेक्ट फोर्थ, एंड 4/5 एक होल स्टेप का इंटरवल हो गया मेजर सेकेंड। काफी लोग इसको इस तरह से देखते हैं और सस्पेंडेड सेकेंड को देखते हैं 1/2 मेजर सेकेंड इंटरवल एंड 2/5 इज अ परफेक्ट फोर्थ इंटरवल। तो काफी लोगों को लगता है कि भाई सस्पेंडेड फोर्थ जो होती है उसमें परफेक्ट फोर्थ का इंटरवल होता है फॉलोड बाय मेजर सेकेंड इंटरवल, एंड सस्पेंडेड सेकेंड में मेजर सेकेंड इंटरवल फॉलोड बाय परफेक्ट फोर्थ का इंटरवल, विच इज वाई इट्स अ रैंडमली स्टैक्ड ट्रायड। काफी आप अगर ऑनलाइन चेक करेंगे तो काफी लोगों ने रैंडम स्टैक लिखा होता है, बट इट्स नॉट अ रैंडम स्टैक, एंड आई विल कम टू दैट लेटर। ठीक है, इस पे हम बाद में आते हैं, लेकिन अभी आप कॉर्ड की कंस्ट्रक्शन समझ गए। सस्पेंडेड फोर्थ में फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ होता है, सस्पेंडेड सेकंड में फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ होता है, तो इसको फोर बोला जाता है क्योंकि इसमें फोर है, सेकंड बोला जाता है इसमें सेकंड है। ठीक है, लेकिन हम सस्पेंडेड जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी आएंगे। जबकि मेजर होती है इसमें थर्ड होता है, माइनर में फ्लैट थर्ड होता है। अब ये तो होगी हमारी कॉर्ड सस्पेंडेड एंड सस्पेंडेड फोर्थ। अच्छा, बाय द वे, अगर आप ये कॉर्ड्स को प्ले करना सीखना चाहते हैं तो मेरी जो वेबसाइट है aditzguitarlessons.com, उसमें भी इस पे मैं पूरा एक ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा, और मैंने कॉर्ड चार्ट डाल दिया होगा जिसमें सारी की सारी सस्पेंडेड कॉर्ड्स होती हैं, एटलीस्ट सस्पेंडेड सेकंड एंड सस्पेंडेड फोर्थ, उन सब के डायग्राम्स होंगे, तो आप उनको देख के प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर दैट चेक माय वेबसाइट aditzguitarlessons.com। ओके, सो अब सस्पेंडेड जो होती है ना, सस्पेंडेड देखो, अगर मैं मेजर माइनर की बात करूं तो जनरली लोग बोलते हैं कि मेजर कॉर्ड होती है वो हैप्पी साउंड करती है, माइनर कॉर्ड जनरली लोग बोलते हैं कि सैड साउंड करती है। अब वो सैड और हैप्पी साउंड करती है, बेसिकली देखा जाए मेजर और माइनर में कितने नोट्स का डिफरेंस है, तीन नोट्स हैं दोनों कॉर्ड्स में, जिसमें से दो नोट्स तो सेम है, फर्स्ट एंड फिफ्थ तो सेम है, सिर्फ एक थर्ड एंड फ्लैट थर्ड होता है, मेजर में थर्ड होता है, माइनर में फ्लैट थर्ड होता है। तो मतलब वो हैप्पी और जो सैड का कैरेक्टरिस्टिक है वो सिर्फ ये सेकेंड वाले जो थर्ड इंटरवल है ना, इसी के कारण आ रहा है। ठीक है, मेजर में हैप्पी इस थर्ड के कारण आ रही है, माइनर में सैड इस फ्लैट थर्ड के कारण आ रही है, क्योंकि बाकी दो नोट तो सेम है। अब ये जो थर्ड होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट होता है। अब सस्पेंडेड में आप देख रहे हैं थर्ड है ही नहीं, ठीक है, तो इसको हम कह नहीं सकते कि ये मेजर है कि माइनर है, हम नहीं कह सकते कि इसमें थर्ड वो एलिमेंट ही नहीं है, थर्ड का इंटरवल ही नहीं है।
विच इज़ वाई सस्पेंडेड कॉर्ड्स होती हैं वो थोड़ी सी फनी साउंड करती हैं. एंड इफ मे बी फनी इज नॉट द राइट वर्ड फॉर इट बिकॉज दे स्टिल साउंड वेरी हारमोनियस एंड आई विल टेल यू कैसे वो हारमोनियस साउंड करती हैं. बट दे साउंड वेरी डिफरेंट बिकॉज दे डू नॉट है उनमें थर्ड का इंटरवल ही नहीं है. ठीक है, वो मेजर माइनर वाला जो इंटरवल होता है ना, जो एलिमेंट होता है, वो इन दोनों में है ही नहीं, इसलिए दे साउंड वेरी डिफरेंट क्योंकि इसमें फोर्थ है और इसमें सेकेंड है. ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपको मैं इसको डिलीट करता हूँ कि हमारे को मेजर माइनर अब देखने की जरूरत नहीं है. आपको याद है मैंने बोला था कि जो सस्पेंडेड, अगर कोई बोलता है कि सस्पेंडेड कॉर्ड बजानी है तो उसका जनरली मतलब सस्पेंडेड फोर्थ होता है. वो इसलिए बिकॉज एक्चुअली अगर देखा जाए ना, सस्पेंडेड फोर्थ एंड सस्पेंडेड टू कॉर्ड्स आर वेरी वेरी सिमिलर. एंड वो सिमिलर किस तरह से, मैं आपको वो दिखाता हूँ. ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हम सी लेते हैं, तो सी सस फोर. तो अगर हमारे को, अगर मैं पूरा सी का मैं सारे नोट्स लिखता हूँ सी से, ठीक है, और मैं शार्प्स में लिख रहा हूँ सी सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए ए शार्प बी एंड सी. अफकोर्स मेरे को सारे लिखने की जरूरत नहीं, मैं मेजर स्केल से भी कर सकता हूँ जैसे हमने लास्ट लेसन में सीखा था, लेकिन अभी मैंने चलो सारे नोट्स लिख दिए. अब अगर मेरे को सी सी सस फोर बजानी है मान लो, ठीक है, सी सस फोर में पहला नोट होएगा सी वन, लास्ट नोट होएगा परफेक्ट फिफ्थ. परफेक्ट फिफ्थ हमारे को पता है परफेक्ट फिफ्थ सी का होता है जी, एक होल स्टेप, दूसरा होल स्टेप, थ्री सा होल स्टेप प्लस हाफ. तो परफेक्ट फिफ्थ इज थ्री होल स्टेप्स प्लस वन हाफ स्टेप. तो आखिरी वाला नोट हो गया जी. अब बीच हमारे को चौथा इंटरवल डालना है. चौथा इंटरवल जो होता है वो होता है मतलब परफेक्ट फोर्थ होता है, टू होल स्टेप्स एंड वन हाफ स्टेप. ये सब हमने पिछले लेसन में बात करी हुई है. टू होल स्टेप्स प्लस वन हाफ स्टेप मतलब एफ. तो सी सस फोर जो कॉर्ड होती है वो होती है सी एफ एंड जी. इसमें तीन नोट्स ही होते हैं. सी मेजर आपको याद था, सी ई जी था, सी माइनर थी सी ई फ्लैट या डी डी शार्प, एक्चुअली ई फ्लैट. ठीक है, सी सस फोर में होता है फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, सी एफ एंड जी. ठीक है, तो ये हमारी होगी सी सस फोर कॉर्ड. अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको मान लो एफ से, एफ मान लो आपको एफ सस टू बोलता हूं, मान लो तो मैं एफ एफ सस टू बोलता हूं तो आपको एफ से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो एफ सस टू का पहला नोट होगा एफ, ठीक है, फिफ्थ नोट होगा टू थ्री होल स्टेप्स प्लस वन हाफ स्टेप, तो एक होल स्टेप, दूसरा होल स्टेप, तीसरा होल स्टेप एंड वन हाफ स्टेप मतलब सी. मतलब एफ के केस में, एफ सस टू मैं बोल रहा हूं, तो एफ सस टू होगी वन टू एंड फाइव, पहला एफ, फाइव हो गया सी, और टू एफ का टू मतलब वन मेजर सेकंड इंटरवल, टू हैपेंस टू बी अ जी. ठीक है, तो ये हमारी होगी एफ सस टू कॉर्ड जिसमें हमने एफ बजाया वन, सी बजाया फाइव एंड टू बजाया जी. ठीक है, अब इन दोनों कॉर्ड्स को अगर आप स्टडी करेंगे यू विल रियलाइज कि सी सस फोर कॉर्ड जो है उसमें सी एफ जी था, एफ सस टू कॉर्ड में एफ जी एंड सी है. बेसिकली दोनों कॉर्ड्स में नोट्स सेम है. ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें सी एफ जी में हमारा सी बेस नोट था, एफ जी सी में हमारा एफ बेस नोट है. एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट होता है जिसको इन्वर्जन्स बोला जाता है. तो बेसिकली एफ जी सी जो है इसका जो सेकेंड इन्वर्जन होता है, एफ सस टू का सेकेंड इन्वर्जन हैपेंस टू बी द सेम एज अ सी सस फोर. बट अभी हम इन्वर्जन्स की हमने बात नहीं करी, हम बाद में बात करेंगे. अभी हम सिंपल रखते हैं कि सी सस फोर इज द हैज द सेम नोट्स एज एन एफ सस टू. मतलब कोई भी कॉर्ड जो कोई भी नोट का सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड जो होती है, सी का सस्पेंडेड फोर्थ इज एक्चुअली द सेम एज द सस्पेंडेड सेकेंड ऑफ इट्स परफेक्ट फोर्थ. सी का परफेक्ट फोर्थ होता है एफ. मतलब कोई भी नोट का सस्पेंडेड फोर्थ जो कॉर्ड होती है ना, इट हैज द सेम नोट्स एज उस नोट का जो परफेक्ट फोर्थ है उसकी सस्पेंडेड सेकेंड कॉर्ड. समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. कोई भी नोट का सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड जो है, सी का सस्पेंडेड फोर्थ मतलब सी सस्पेंडेड फोर्थ जो कॉर्ड होगी, इसके जो नोट्स होंगे वो सेम होंगे एक दूसरी कॉर्ड के. वो कौन सी नोट कॉर्ड है, जो आपने जो रूट पकड़ा था, आपने रूट, उस रूट का जो परफेक्ट फोर्थ होता है जो कि एफ था, उस कॉर्ड का जो सस्पेंडेड सेकंड होता है ना, दैट विल हैव द सेम नोट्स एज द ओरिजिनल सस फोर कॉर्ड.
ठीक है। सिमिलरली इसका इनवर्स भी हम कर सकते हैं कि कोई भी कॉर्ड का जो सस टू होता है, मतलब एफ कॉर्ड का एग्जाम्पल, सस टू हैज द सेम नोट्स एज द सस फोर ऑफ इट्स फिफ्थ। एफ का फिफ्थ होता है वन टू, एफ का फिफ्थ होता है सी, करेक्ट, एफ का परफेक्ट फिफ्थ होता है सी। तो कोई भी नोट का जो सस टू होता है इट इज द सेम एज द परफेक्ट फिफ्थ का सस फोर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सी का परफेक्ट फिफ्थ होता है एफ, एफ का एफ सी का परफेक्ट फोर्थ होता है एफ, एफ का परफेक्ट फिफ्थ होता है सी। तो सी सस फोर इज द सेम एज परफेक्ट फोर्थ का सस टू। सिमिलरली एफ सस टू इज द सेम एज परफेक्ट फिफ्थ का सस फोर। ठीक है, तो मैं आपसे क्या चाहता हूं, व्हाट आई वांट यू टू डू इज आप ऐसे करके जो नेचुरल नोट्स हैं एटलीस्ट सी डी ई एफ जी ए बी, ये सातों नोट्स जो हैं इन सब के सस टू एंड सस फोर कॉर्ड्स लिखें, मेक दम, ये नोट्स बनाओ उस तरह से 1 4 5 1 2 5 करके लिखो, एंड देन यू विल सी दिस कि जो नोट्स हैं वो सेम है। ठीक है, तो डू दैट एक्सरसाइज, डू दैट एज अ होमवर्क। ठीक है, तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि सी सस फोर एंड सी सस टू जो है ना, एक्चुअली दे आर वेरी सिमिलर कॉर्ड्स, इसलिए सस फोर जो होती है वो ज्यादा ज्यादा जरूरी कॉर्ड होती है, और ज्यादा आई थिंक सी सस फोर इज द कॉर्ड जो पहले बनी थी, सी सस टू वॉज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस लेटर। ठीक है, इसलिए जब भी कोई बोलता है कि सस्पेंडेड कॉर्ड बजाओ तो उसका बेसिकली मतलब होता है सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड बजाओ। ठीक है, अगर सस्पेंडेड टू बोला तब आप सस्पेंडेड टू बजाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि सस्पेंडेड फोर्थ एंड सस्पेंडेड टू जो कॉर्ड्स हैं उसकी थ्योरी क्या है और बेसिकली कंस्ट्रक्शन क्या होती है, तो हमने थोड़ी बहुत कूल चीजें देखी, लेकिन अब हम थोड़ा और कूल चीज समझ रहे हैं, वो ये है कि इसको सस्पेंडेड क्यों बोला जाता है। ऑफकोर्स फोर्थ तो बोला जाता है कि इसमें फोर्थ आता है, टू बोला जाता है कि इसमें टू आता है, लेकिन सस्पेंडेड का क्या कॉन्सेप्ट है? तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सस्पेंडेड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो मैं अभी डिलीट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को आपको बताना है कि रैंडम स्टैकिंग नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी मैं इतना ही डिलीट करता हूँ, इरेज करता हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई कीप सेइंग डिलीट डिलीट, ऑप्स, चलो मैं इसको पूरा ही निकाल देता हूँ। आई जस्ट रिमेम्बर कि मेरे को आपको रैंडम स्टैकिंग बताना है, रैंडम स्टैकिंग वाली बात। चलो अब हम बात करते हैं कि हमने सस्पेंडेड टू एंड सस्पेंडेड फोर में टू एंड फोर समझ लिया, सस्पेंडेड क्यों, क्या क्या फंड है। देखो, सस्पेंडेड समझने के लिए ना मैं चाहता हूं कि आप एक कॉन्सेप्ट समझें जिसका नाम होता है टेंशन एंड रिलीज। तो बेसिकली म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक में म्यूजिक इज नथिंग बट टेंशन एंड रिलीज, एक तरह से रेजोल्यूशन, टेंशन एंड रेजोल्यूशन। एग्जाम्पल, या एक्चुअली इसके थर्ड स्टेज भी होती है जो होती है प्रेपरेशन, प्रेपरेशन या एंटिसिपेशन। म्यूजिक में तीन स्टेजेस होती हैं, याद रखो, प्रेपरेशन या एंटिसिपेशन, देन टेंशन एंड रेजोल्यूशन। प्रेपरेशन एंटिसिपेशन इज नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट, बट टेंशन रेजोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अगर मान लो हम कोई भी मेजर स्केल लेते हैं, सारे गामा सबने सुना हुआ। चलो अगर मैं आपको गा के सुनाता हूं, सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है, ये मेरा मेजर स्केल होता है, कोई भी मेजर स्केल, सारे गामा पा धा नी सा। अब अगर मैं आपको बोलता हूं सारे गामा पा धा नी, ठीक है, मैं रुक जाऊं यहां पे, ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने पहले सारे गामा पा धा, वो तो आप एक तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं, आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि स्केल कंप्लीट होगा सारे गामा पा धा नी, फिर मैं नी पे रुक गया ना, तो क्या होगा, सारे गामा पा धा नी। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबके दिमाग में सा, आपने आपके दिमाग ने खुद ही बोला होगा सा कंप्लीट करने के लिए, सारे गामा पा धा नी सा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे को जब हम नी पे रुक जाते हैं ना तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि यार रुक क्यों गया, रुक गया, कंप्लीट कर, कंप्लीट कर, फिर जब हम सा बोलते हैं तो रिजॉल्व हो जाता है, सारे गामा पा धा नी, टेंशन सा, रेजोल्यूशन। तो बेसिकली म्यूजिक जो होता है, म्यूजिक इज जस्ट टेंशन एंड रेजोल्यूशन एक तरह से। ठीक है, बट उसको स्मार्टली यूज करते हैं होते हैं जो कंपोजर्स होते हैं, वी यूज इट स्मार्टली ताकि अच्छा रिजल्ट बने लिसनर के लिए। यही कॉन्सेप्ट होता है ना, यही कॉन्सेप्ट क्लासिकल म्यूजिक थ्योरी में होता है, विच इज टेंशन की जगह बस मान लो सस्पेंशन। सस्पेंशन का बेसिकली मतलब होता है कि आप एक नोट जो होता है ना, बेसिकली सस्पेंशन एक कॉन्सेप्ट होता है जो वॉइस लीडिंग में यूज होता है, कि आप एक नोट लेते हैं, उस नोट को आप सस्पेंड करके रखते हैं, आप बाकी के नोट्स आप चेंज कर देंगे
लेकिन एक नोट को आप कांस्टेंट रखेंगे ताकि वो सस्पेंडेड रहे एंड देन उसको आप रिजोल्व कर देंगे, सस्पेंशन को आप रिजोल्व करेंगे। आपको मैं बताता हूँ एग्जांपल लेके, दैट इज हाउ सस्पेंडेड कॉर्ड्स वर ओरिजिनली मेंट टू बी यूज्ड। सस्पेंडेड फोर कॉर्ड्स थी ना वो ओरिजिनली वैसे यूज होती थी। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मेरे को कॉर्ड प्रोग्रेशन बजाना है एफ मेजर से सी मेजर। ये दिस इज अ वेरी पॉपुलर कॉर्ड प्रोग्रेशन, इट्स अ वेरी पॉपुलर केडेंस। घबराओ मत अगर नहीं पता, वी कम टू दैट सम अदर टाइम। लेकिन इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉर्ड प्रोग्रेशन एफ टू सी, ठीक है। एफ टू सी बजाओगे अच्छा सुनेगा। अब एफ टू सी जो होता है ना, अब बजाने को आप एफ टू सी बजा सकते हो, लेकिन हम अब क्योंकि म्यूजिक थ्योरी समझ रहे हैं तो हम एनालाइज करेंगे, हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे एफ टू सी, हम समझेंगे कि एफ टू सी अच्छा क्यों साउंड करता है। एफ जो होता है एफ मेजर, अगेन एफ मेजर के कितने नोट्स होते हैं, तीन नोट्स होते हैं एफ मेजर में। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एफ मेजर में तीन नोट्स होते हैं, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। एफ के बाद मेजर थर्ड इंटरवल जो होता है वो होता है ए, आप चेक कर लेना, एंड जो परफेक्ट फिफ्थ इंटरवल होता है वो सी होता है, ठीक है। एफ मेजर में तीन नोट्स होते हैं एफ ए एंड सी। तो एफ मेजर में हम एफ मेजर टू सी बजा रहे हैं तो एफ ए एंड सी हम ये तीन नोट्स बजा रहे हैं। सी मेजर बजा रहे हैं तो बेसिक बजा रहे हैं सी ई एंड जी, ठीक है। एफ टू सी इज साउंडिंग गुड। अब इस पे अगर मेरे को सस्पेंशन डालना है ना तो मैं क्या करूंगा, एक तरीका है कि मैं यहां पे अगर मान लो मैंने सी, ये मेरी एफ मेजर कॉर्ड है, ये मेरी सी मेजर कॉर्ड है, अगर यहां पे मान लो मैं सी सस फोर कॉर्ड बजा दूं, तो सी सस फोर, सी मेजर मेरी कॉर्ड है सी ई एंड जी, वन थ्री एंड फाइव, सी सस फोर होती है सी एफ एंड जी, ठीक है। ई की जगह एफ आ गया मेरा परफेक्ट फोर्थ इंटरवल। अगर मैं सी सस फोर बजाऊंगा तो मेरी बजेगी सी एफ एंड जी। तो बेसिकली अगर मैं एफ टू सी की जगह एफ सी सस फोर एंड सी बजाऊंगा ना, तो क्या होएगा कि मेरा जो एफ नोट था, ये मेरा एफ नोट, एक तरह से एफ नोट इज कंटिन्यूइंग इन दिस सी सस फोर, ठीक है, इट्स सस्टेन हो रहा है। मतलब एफ से मेरा सी सस फोर में एफ नोट मेरा सस्टेन हो रहा है, एंड देन दिस एफ इज एक्चुअली रिजोल्विंग टू एन ई। तो मतलब F, इन दोनों कॉर्ड्स में मेरा F नोट सस्टेन हुआ एंड देन C मेजर में जाके मेरा रिजॉल्व हुआ। तो बेसिकली जो सस्पेंडेड कॉर्ड्स होती है ना, सस्पेंडेड बोथ द सस्पेंडेड सेकंड एंड सस्पेंडेड कॉर्ड्स फोर्थ कॉर्ड्स होती है, ये अपने रूट जो मेजर कॉर्ड होती है उसमें रिजॉल्व होती है। तो C सस फोर विल रिजॉल्व टू अ C मेजर और इवन अ C माइनर एट टाइम्स, C सस टू विल ऑल्सो रिजॉल्व टू अ C मेजर और अ C माइनर। तो इस केस में हमने क्या करा, हमने F टू C बजाने की जगह हमने सी सस फोर बजा दी, क्योंकि उससे क्या हुआ कि हमारा जो एफ नोट था वो सी सस फोर में भी आया एंड देन इट रिजॉल्व्ड टू अ सी मेजर, ठीक है। तो हमने एक तरह से सस फोर को एज अ ब्रिज यूज किया। तो बेसिकली हमारा वन ऑफ दीज नोट्स जो हमारा इंपॉर्टेंट नोट था एफ, उसको हमने, अगर मान लो हमारे को एफ पे फोकस करना है, एफ पे हम फोकस करना चाहते हैं, तो हमने एफ मेजर बजाई, एफ पे फोकस हुआ, फिर हमने सी सस फोर बजाई, तब उसमें एक नोट था एफ जो बड़ा अजीब सा नोट है क्योंकि वो परफेक्ट फोर्थ नोट है, अजीब सा नोट था, एंड देन सडनली रिजॉल्व टू सी मेजर। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने वॉइस लीडिंग करी जिसमें हमने एक नोट को सस्पेंड किया एंड देन सडनली रिजॉल्व कर दिया। सम ऑफ यू माइट से कि इसमें हमारा सी नोट भी तो बज रहा है, एफ के साथ इसमें भी एफ था और इसमें सी भी है, यस सी भी है, लेकिन सी रिजॉल्व नहीं हो रहा ना, सी सस फोर टू सी पे सी रिजॉल्व नहीं हो रहा, दी ओनली नोट विच इज रिजॉल्विंग इज एफ और वो पिछले वाले नोट में प्रेजेंट था। तो हमने एक तरह से प्रिपेयर किया, देन हमने सस्टेन किया एंड देन हमने रिजोल्व किया। पता चल, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो मेरे को कॉर्ड बजानी है लेट्स से डी माइनर टू सी एग्जांपल, ठीक है। अब मेरी डी माइनर कॉर्ड जो होती है, डी माइनर कॉर्ड होती है मेरी डी एफ एंड ए, ठीक है, ये मेरी होगी डी माइनर। सी मेजर होती है मेरी सी ई एंड जी, ठीक है। अब मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ फिर से, अगर मेरे को डी को डी पे फोकस करना है, वो मेरी वॉइस लीडिंग डी पे है, तो मैं अगर मान लो मैं अपनी सी सस टू कॉर्ड बजाता हूँ, सी सस टू होगी मेरी सी डी एंड जी, सी डी सॉरी डी एंड जी। तो मेरी, मैंने डी माइनर बजाई जिसमें मेरा डी था, फिर मैंने सी सस टू बजाई जिसमें मेरा डी फिर से आया, ठीक है, एंड देन सडनली मैंने सी बजा दी। तो क्या हुआ, मैंने डी नोट को सस्टेन किया दो कॉर्ड्स में एंड देन आई रिजॉल्व्ड इट टू द सी मेजर।
ठीक है. तो बेसिकली दिस इज हाउ सस्पेंडेड कॉर्ड्स वर ओरिजिनली मेंट टू बी यूज्ड. ऐसे नहीं कहीं भी घुसा दी. डिपेंडिंग ऑन आप किस नोट पे फोकस करना चाहते थे, उस नोट को आप कंटिन्यू करते हैं इन अ सस्पेंडेड कॉर्ड, इन अ सस्पेंडेड स्टेट, एंड देन यू रिजॉल्व इट. दैट इज हाउ सस्पेंडेड कॉर्ड्स वर ओरिजिनली मेंट टू बी यूज. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नोट है वो हमेशा बेस नोट होना चाहिए. जैसे हमने पिछले केस में हमने एफ मेजर से सी सस फोर करी थी, तो एफ मेजर का बेस नोट एफ था, रूट नोट. जरूरी नहीं है कि हमेशा जो सस्पेंडेड नोट है वो रूट ही होना चाहिए. हम और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे जैसे मान लो हमने जी टू सी करना है. दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर कॉर्ड प्रोग्रेशन और अ पॉपुलर केडेंस, कम टू दैट लेटर. अगर हमारे को जी टू सी बजाना है तो जी मेजर होती है, जी मेजर में नोट्स होते हैं जी बी एंड डी. ठीक है, तो ये मेरी जी मेजर कॉर्ड है. और मान लो मेरा सी मेजर है सी ई एंड जी. जरूरी नहीं है मेरे को जी पे ही करना है, हो सकता है कि मैं डी पे करना चाहूं. मेरा वॉइस लीडिंग जो है हो सकता है मैं डी से करना चाहता हूं. अगर मैं डी से करना चाहता हूं तो आई कैन एक्चुअली प्ले विच कॉर्ड, कौन सी सस्पेंडेड कॉर्ड बजा सकता हूं जिसमें मेरा डी सस्पेंडेड होएगा. यू राइट, अ सी सस टू. अगर मैं सी सस टू बजाता हूं सी डी एंड जी, तो मेरा डी जी मेजर का जो मेरा डी नोट था उससे मैं सी सस टू पे गया जिसमें अगेन मेरा डी जो है वो सस्पेंडेड स्टेट में है. एंड देन फाइनली आई रिजॉल्व इट टू अ सी मेजर. ठीक है, सो इट द सस्पेंडेड नोट डज नॉट नीड टू बी जस्ट द रूट नोट या परफेक्ट फिफ्थ, इट कैन बी एनी नोट. लेकिन आप उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, सॉरी सस्पेंड कर रहे हैं थ्रू सस्पेंडेड कॉर्ड, एंड देन यू आर एक्चुअली रिजॉल्विंग इट. एंड दिस बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज द रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड अ सस्पेंडेड सेकेंड या सस्पेंडेड फोर्थ. क्योंकि ओरिजिनल जो इंटेंट था ना वो ये था कि आप वॉइस लीडिंग के टाइम एक नोट को सस्पेंड करेंगे, प्रिपेयर सस्पेंड एंड देन यू रिजॉल्व इट. सो दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ सस्पेंडेड कॉर्ड. लेकिन आजकल सस्पेंडेड कॉर्ड होती है ना, उसमें जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ये करने की, मतलब दिस इज द ओरिजिनल रीजन. लेकिन आजकल सस्पेंडेड कॉर्ड्स को बस कलर ऐड करने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर ऐड करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं. ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स जिसमें आपने सस्पेंडेड कॉर्ड ऐसी बजा दी होगी, इट माइट नॉट रिजॉल्व ऑलवेज टू द रूट नोट, सॉरी रूट कॉर्ड, या मतलब इट्स द नेचुरल मेजर. लेकिन उसको आप एक सेपरेट कलर सा सेपरेट फ्लेवर डालने के लिए भी आप सस्पेंडेड कॉर्ड्स डाल सकते हैं. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स जिसमें सस्पेंडेड सेकंड सस्पेंडेड फोर्थ का प्रोग्रेशन यूज होता है. जैसे अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग इज समर ऑफ 69. समर ऑफ 69 में बिगिनिंग है टन 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 टन, बेसिकली इट्स नथिंग बट अ डी सस 2 टू अ डी सस 4 टू अ डी टन 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 डी सस 2 एंड देन अ डी झन 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 झन. फिर होता है ए सेम ए सस 2 ए ए सस 4 ए ए सस 2 ए झन 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 झन. तो बेसिकली हम क्या करें, सस्पेंडेड से मेजर पे गए, फोर्थ से मेजर पे गए, सेकंड से मेजर पे गए, दोनों केस में. तो आप बेसिकली रिजॉल्व करते जा रहे हैं. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. मैं भी काफी बार ऐसी सस्पेंडेड प्रोग्रेशंस यूज करता रहता हूँ. जैसे एक गाना था, वन ऑफ माई फेवरेट परफॉर्मेंसेज ऑफ माई सेल्फ वॉज जो भी मैं रॉक स्टार, उसमें मेरे को याद है मैंने एक डी सस 2 का एक टैं 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 करके मैंने डाला था. अगर आप नहीं देखा तो देखना जरूर, जो भी मैं उसका लिंक ऊपर होएगा. उसमें मैंने ऐसे एक प्रोग्रेशन डाला था. तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी कोई, अगर मान लो आप नॉर्मल मेजर कॉर्ड बजा रहे हैं और आप बोर हो गए हैं, तो सस्पेंडेड के बाद वापस उस नेचुरल मेजर को बजा सकते हैं. यू नो इट साउंड नाइस. ठीक है, तो चलो अब हमने समझ लिया कि सस्पेंडेड कॉर्ड्स क्या होती हैं, सस्पेंडेड कॉर्ड्स को क्यों बोला जाता है, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड इट, यूज किस तरह से करना है. नाउ आई विल टेल यू अ वेरी कूल थिंग जो मैं बोल रहा था कि इट्स नॉट वेरी कॉमन नॉलेज. और हम आते हैं वो फाइनल चीज में जो कि है स्टैकिंग की. जैसा हमने देखा था सस्पेंडेड सेकंड जो कॉर्ड थी उसमें रूट था, सेकंड था एंड फिफ्थ था. सस्पेंडेड फोर्थ में रूट था, परफेक्ट फोर्थ था एंड परफेक्ट फिफ्थ था. तो इसके कारण लोगों को लगता है ये हमारा मेजर सेकंड इंटरवल है और ये हमारा परफेक्ट फोर्थ इंटरवल है, या लोगों को लगता है ये हमारा परफेक्ट फोर्थ इंटरवल है, हमारा मेजर सेकंड इंटरवल है. दोनों अलग अलग है. तो थर्ड्स में, ट्रायड्स में तो हमेशा थर्ड था, इसमें सेकंड फोर्थ आ रहा है तो ये रैंडम है. बट दिस इज नॉट रैंडम, दिस इज ऑल्सो अ वेरी कंसिस्टेंट
स्टैकिंग एंड दैट इज द रीजन वाई सस्पेंडेड कॉर्ड्स एक्चुअली साउंड हारमोनियस. आपको याद है मैंने शुरू में बोला था कि दे डोंट हैव अ मेजर माइनर साउंड बट स्टिल दे वेरी हारमोनियस. एंड हारमोनियस कैसे है मैं बताता हूँ. सस्पेंडेड टू जो कॉर्ड होती है ना, दिस इज नथिंग बट अ ट्रायड विच इज स्टैक्ड इन फिफ्थ्स. इंटरेस्टिंग. सिमिलरली सस्पेंडेड फोर्थ जो कॉर्ड होती है, दिस इज अ ट्रायड विच इज स्टैक्ड इन फोर्थ्स. एंड मैं आपको दिखाता हूँ कैसे. जैसे मान लो हमने हमारे को याद है नोट्स होते हैं, नोट्स एक ही ऑर्डर में चलते रहते हैं. अब हमने सी मेजर जैसे लिया था, सी मेजर क्या था, चलो सारे नोट्स लिखता हूँ. वन सेकेंड, सी सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए ए शार्प बी एंड सी. और उसके बाद वापस कंटिन्यू होता रहेगा, सी के बाद सी शार्प, ये सारा कंटिन्यू होता रहता है. ठीक है, सर्कल में चलता रहता है. अब अगर मान लो मैं कहाँ से लूँ, चलो मैं एफ से लेता हूँ, जस्ट टू कीप थिंग्स. चलो मैं सी से लेता हूँ, चलो समझाने के लिए शुरू में सी से लेता हूँ. अगर मैं सी सस टू लेता हूँ तो सी सस टू जो कॉर्ड है ना, बेसिकली सी सस टू में नोट्स क्या थे, सी सस टू में नोट्स थे सी जी एंड डी, फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, जी जो है वो फिफ्थ हो गया, ये हमारा परफेक्ट फिफ्थ इंटरवल है. ठीक है, परफेक्ट फिफ्थ इंटरवल मतलब थ्री होल स्टेप्स प्लस वन हाफ स्टेप. और एक हमारा डी है. अब अगर आप डी को ये डी मान के चल रहे हो कि सी के बाद वाला डी है, तो यस यू आर राइट, इट्स अ मेजर सेकंड इंटरवल एंड दिस इज अ परफेक्ट फोर्थ इंटरवल. लेकिन द ब्यूटी इज कि इस सी के बाद क्या आता है, सी शार्प. सी शार्प के बाद क्या आता है, डी. अगर आप जी टू डी ये लेके चलते हैं, देन इट इज नथिंग बट वन होल स्टेप, another whole step, third whole step plus a half step. So this is also a perfect fifth interval. So a suspended second chord is not actually a major second and a perfect fourth or a random stacking. जो लोग समझते हैं, it's not a random stacking. It is a constant stacking of fifths. So basically, C to G is a perfect fifth interval. Similarly, G to a D जो है ना, C to a G and a G to a D is also a perfect fifth interval. It's so basically जो suspended two है ये fifths में stacked है. ठीक है, this is just another way to look at it. Some of you might argue कि नहीं, C के बाद D आनी चाहिए. C D G is different from C G D. As you can get into all those discussions. लेकिन अगर मैं pure notes की बात करूँगा, तो this is not a random stacking. इसमें fifths में है. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं सस्पेंडेड फोर्थ की बात करता हूं, ठीक है, सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड, सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड इज ऑल्सो नॉट अ रैंडम स्टैकिंग माई फ्रेंड. सस्पेंडेड फोर्थ अगर मेरे को लेनी है, सी का ही लेता हूं मैं. चलो सी सस फोर क्या होती है, सी एफ एंड जी, वन फोर एंड फाइव. तो ये हमारा वन हो गया, ये हमारा फाइव हो गया. अब आप बोलोगे जो एफ है वो कहां पे. अब अगर आप ये एफ लेंगे तो करेक्ट, दिस इज अ परफेक्ट फोर्थ इंटरवल, दिस इज अ मेजर सेकंड इंटरवल. लेकिन आप इस सी, ये सी जो है, ये सी के आप पीछे अगर देखेंगे तो ये जो है, सॉरी 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 सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक. ये सी टू एफ ले रहा था मैं, सॉरी, सी टू एफ जो था, सी टू एफ दिस इज अ परफेक्ट फोर्थ इंटरवल, करेक्ट, सी टू एफ परफेक्ट इंटरवल. अब अगर आप एफ, अगर आप ये जी लेंगे देन दिस इज अ मेजर सेकंड इंटरवल. लेकिन अगर आप इस सी के पीछे जाएंगे, ये परफेक्ट फोर्थ इंटरवल क्या होता है, टू होल स्टेप्स एंड वन होल स्टेप. तो ये सी है, इसके दो एक होल स्टेप, दूसरा होल स्टेप एंड हाफ स्टेप, ये ना जी. तो मतलब एक तरह से देखा जाए, ऑर्डर में देखा जाए, तो सी एफ जी में अगर हम जी एफ एंड सॉरी जी सी एंड एफ की तरह इसको देखें, सी एफ जी को हम जी सी एफ की तरह देखें, सो दिस इज अ परफेक्ट फोर्थ इंटरवल. And this is also a perfect fourth interval. तो मतलब C sus 4 में एक नोट perfect fourth आगे है and एक नोट perfect fourth पीछे है. So basically a C sus 4 is also not randomly stacked, वो भी fourths में stacked है. एक आगे stacked है, एक पीछे stacked है. तो पर जो interval है वो तो fourth का ही है. तो basically हमने देखा suspended 2 जो होती है it's a fifth में stacked. Suspended fourth जो होती है, it's actually a fourth में stacked.
ठीक है. सो दीज आर टेक्निकली दीज आर नॉट रैंडम स्टैकिंग्स. सो दीज आर नॉट रैंडमली स्टैक्ड ट्रायड्स, दीज आर एक्चुअली कंसिस्टेंटली स्टैक्ड ट्रायड्स या जो भी, ठीक है. बट या एंड दैट इज द रीजन वाई दे हारमोनियस. हारमोनी जो होती है ना, देखो हारमोनी के लिए भी बाद में जाके मैं आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस थिंग कॉल्ड ओवरटोन सीरीज एंड ऑल, ठीक है. उसमें हम समझेंगे कि सो बेसिकली परफेक्ट फोर्थ एंड परफेक्ट फिफ्थ जो होते हैं ना, दीज आर वेरी हारमोनियस. आपको याद है पिछले लेसन में बताया था कि जो रूट होता है एंड परफेक्ट फिफ्थ काफी जय वीरो टाइप्स होते हैं, हारमोनी में होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं. परफेक्ट फोर्थ इज ऑल्सो वेरी हारमोनियस, ठीक है. तो ये दोनों जो है परफेक्ट फोर्थ एंड परफेक्ट फिफ्थ इंटरवल्स पे हैं, विच आर वेरी हारमोनियस इंटरवल्स, विच इज वाई सस्पेंडेड कॉर्ड्स आर लाइक दैट. ओके, सो दैट वाज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. आई एम होपिंग कि आपको लेसन अच्छा लगा हुआ है एंड आई एम होपिंग कि आपको थोड़ी बहुत नई चीज़ें पता लगेंगी, काफ़ी नई चीज़ें पता लगेंगी एंड फाइनली योर सस्पेंडेड कॉर्ड्स का जो मिस्ट्री है दैट्स बीइंग सॉल्व्ड. ऑफकोर्स देर आर अ लॉट ऑफ अदर सस्पेंडेड कॉर्ड्स एज वेल, डोमिनेंट सस्पेंडेड, डोमिनेंट सेवन सस्पेंडेड, फोर कॉर्ड्स वगैरह थोड़ी और होती हैं डिफरेंट, लेकिन दोज आर जैज सस्पेंडेड कॉर्ड्स. ये जो पॉपुलर होती है ना, वो सस्पेंडेड टू एंड सस्पेंडेड फोर्थ ही होती हैं. तो दिस शुड एक्चुअली हेल्प यू लॉट. नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, मैं आप चाहता हूँ आप एक होमवर्क करें. सबसे पहले क्या करना है, आपने सारे जो नेचुरल नोट्स हैं सी डी ई एफ जी ए बी सी, इन सब नोट्स के आप सस्पेंडेड टू एंड सस्पेंडेड फोर्थ लिखो, क्या सस्पेंडेड बनता है. देन यू चेक कि हाँ एक सस्पेंडेड फोर्थ जो है वो सॉरी कोई दूसरी कॉर्ड का सस्पेंडेड सेकेंड है. सिमिलरली एक सस्पेंडेड सेकेंड जो है वो दूसरी कॉर्ड का सस्पेंडेड फोर्थ है, और वो जो दो कॉर्ड्स है उनका भी एक रिलेशन है, परफेक्ट फोर्थ परफेक्ट फिफ्थ का रिलेशन, ठीक है. डू दैट. देन व्हाट आई वांटेड टू डू इज आप खुद ऐसे प्रोग्रेशंस बनाएं कि जहां पे आप एक नोट को वो कॉन्स्टेंट रखें, फिर उसको एक सस्पेंडेड कॉर्ड में लेके आए एंड देन उसको रिजोल्व करें. सो डू दैट एक्सरसाइज, बिलीव मी. काफी लोग बोलते हैं म्यूजिक थ्योरी इज जस्ट थ्योरी, बजाना इज मोर इम्पॉर्टेंट, ये वो. यस, बजाना इज मोर इम्पॉर्टेंट, बट बिलीव मी अगर आप थ्योरी समझेंगे ना, देन बजाना बिकम्स अ लॉट मोर इजी. ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप खुद प्ले करके आप एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते, बट म्यूजिक थ्योरी जस्ट टेल्स यू कि दिस इज हाउ यू कैन डू दिस एंड देन आप अपनी क्रिएटिविटी से यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो दीज आर सम रियली ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, उनको प्रैक्टिस करो एंड बिलीव मी योर प्रोग्रेशन, योर म्यूजिक इज गोइंग टू जस्ट वाह, चार चांद पांच चांद जितने भी चांद होते हैं उतने चांद लग जाएंगे. सो यू विल रियली एंजॉय दैट. ओके, सो दैट वाज द लेसन, आई होप यू एंजॉयड इट. अगर अच्छा लगे तो डू गिव द वीडियो थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यस, ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स मेरे म्यूजिक थ्योरी के कोर्स में भी हैं, प्रैक्टिकल म्यूजिक थ्योरी. सो गो फॉर दैट इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. राइट, दिस इज आदित्य कुंद्रा एंड आई विल बी सीइंग यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.